हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि आप इस ट्रांसफार्मर में देख पा रहे होंगे, और यहां पे आप इसका साइड में अगर बात करें तो इसमें कुछ पाइलिंग टाइप आपको दिखाई देगा, जो कि पतला पतला पाइप रहता है। और कुछ ट्रांसफार्मर में यहाँ प्लेट जैसे भी रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें कुछ ऐसा प्लेट है। और इसका काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर में किस लिए दिया जाता है और क्यों लगाया जाता है ट्रांसफार्मर में, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जो ट्रांसफार्मरें होती है उसमें अभी हम बात किए, जो कि उसका दोनों तरफ साइड साइड में आप देखे होंगे कि पाइप जैसा कुछ वहाँ पे लगाया हुआ है, उसको हीट सिंक बोला जाता है। और वह क्या काम करता है, इस बात को जानने से पहले जो हमारे डीजल इंजन होती है उसका रेडिएटर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जो डीजल इंजन के जो रेडिएटर होते हैं वो एक कूलिंग का काम करते हैं। उसमें जैसे कि रेडिएटर में हम लोग पानी को डाल देते हैं और वो डीजल इंजन से जैसे पानी होकर आता है फिर रेडिएटर में, तो उस टाइम वो गर्म रहता है। उसे कूलिंग करने के लिए उसमें आप देखे होंगे कि रेडिएटर के अंदर पतला पतला छिद्र होते हैं, जिससे कि हवा के कारण जो रेडिएटर में पानी होता है वह बिल्कुल ठंडा हो जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार से अगर हम उस ट्रांसफार्मर की बात करें तो उस ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का काम तेल करता है। ट्रांसफार्मर में हम लोग कूलिंग के लिए तेल को डाल देते हैं, और जब ट्रांसफार्मर लोड के अकॉर्डिंग वह गर्म होते हैं तो उसका जो तेल होता है उसका तेल भी गर्म उसमें हो जाता है। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा, गर्म चीज़ का जो वेट होता है वह बहुत कम जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के कारण वह ऊपर की ओर भागना चाहते हैं। जैसे कि जो मेरा तेल ट्रांसफार्मर में निचली सतह पे थे, वह गर्म होने के कारण उसका जो वेट होता है वह कम हो जाता है। कम होने के कारण वह ऊपरी सतह पर भागना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारी ट्रांसफार्मर की तेल ऊपरी सतह पर चले गए हैं, तो जैसे कि अब हम हीट सिंक की बात करें तो इसका मेन काम यह होता है कि जो इसमें हीट सिंक में पहले से जो तेल आ गया होगा उसे वह कूलिंग कर लेगा। दोस्तों, हीट सिंक का अगर गैप आपको बता दें तो हीट सिंक का गैप उसमें 2 से 3 इंच आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे हीट सिंक एक ही में कनेक्ट रहते हैं, वो अलग अलग पाइप दे दिए जाते हैं, जो कि उसे हवा होकर गुजरता है, और जैसे ही उसे हवा होकर गुजरता है तो उसे वह ठंडा कर लेते हैं। अब जो तेल हमारे जैसे हीट सिंक में थे पहले से, तो वह ठंडा होने के कारण उसका वेट जो है काफ़ी बढ़ गया होगा। वेट बढ़ने के कारण वह नीचे चले जाएंगे, और जो हमारे तेल निचली सतह से ऊपरी सतह पे चले गए थे, अब वह उसी हीट सिंक से होकर नीचे आएंगे, उसका भी वेट बढ़ जाएगा ठंडा होने के कारण, तो वह भी नीचे आ जाएंगे। इसी दौरान जो तेल हमारे ट्रांसफार्मर में वह ऊपर नीचे होते रहते हैं, और जो मेरा ट्रांसफार्मर है वह अच्छे से कंटिन्यू चालू रहते हैं। और अगर इस प्रक्रिया को ना किया जाए तो जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं इलेक्ट्रिकल के, वह बहुत जल्द ही ख़राब हो जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर में जो हीट सिंक लगा होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात किए हैं, जो ट्रांसफार्मर में हीट सिंक लगा हुआ है क्यों लगाया जाता है, क्या काम करता है। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।